हम 12 ज्योतिर्लिंगों की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम 12 ज्योतिर्लिंगों की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा वर्णन एवं कथा सुनाएंगे कि भगवान भोलेनाथ के ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ और कैसे बने। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ अपने हर रूप में भक्तों पर कृपा करने वाले, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों को मनवांछित वरदान मिलता है और पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की ये पावन कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भक्तों प्रथम है माना जाए, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भक्तों ये कहलाए। जो गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आता है, और बड़ी ही पावन इस ज्योतिर्लिंग की गाथा है। दक्ष प्रजापति की थी भक्तों 84 कन्याएं, जिनमें से 27 को है चंद्रदेव ब्याहलाए। किंतु रोहिणी चंद्रदेव को अधिक प्रिय लगती है, बाकी पत्नियां उनके प्रेम के लिए तरसती हैं। सर्वाधिक वो प्रेम रोहिणी पर ही लुटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, क्योंकि चंद्रदेव सर्वाधिक प्रेम रोहिणी से ही करते थे, जिसके कारण उनकी अन्य पत्नियों को चंद्रदेव के प्रेम से वंचित रहना पड़ता था। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति को ये बात बताई। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को अनेकों बार समझाया, किंतु चंद्रदेव तो रोहिणी के प्रेम में वशीभूत थे, जिसके कारण दक्ष प्रजापति की बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। अंततः क्रुद्ध होकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें 6 रोगी होने का श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रदेव तत्काल ही 6 ग्रस्त हो गए, जिसके कारण पृथ्वी पर सुधा शीतलता का वर्षण कार्य रुक गया। अब चंद्रदेव बड़े ही कष्ट में थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठादि ऋषिगण चंद्रदेव के उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय शिव की आराधना करें तो अवश्य ही शाप मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने श्राप मुक्त होने का उपाय बताया, प्रभास क्षेत्र में चंद्रदेव ने आकर जिसे निभाया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र किए हैं जाप, हो गए प्रसन्न भोलेनाथ और काट दिया है श्राप। बोले रक्षा दक्ष के वचनों की भी हो जाएगी, 15 दिनों तक घटे कला फिर बढ़ती जाएगी। भोलेनाथ जब चंद्रदेव को श्राप मुक्त करते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तो भक्त तभी बने हैं।
पंद्रह दिनों तक घटते फिर ये बढ़ते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, ब्रह्मा जी के वचन अनुसार चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, जिससे प्रसन्न होकर महामृत्युंजय शिव ने उन्हें अमृत तो प्रदान किया और कहा, हे चंद्रदेव, तुम शोक ना करो, मेरे वरदान से तुम शाप मुक्त तो हो जाओगे, साथ में दक्ष प्रजापति के वचनों की भी रक्षा होगी। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कला क्षीण होती जाएगी, किंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी कला बढ़ती जाएगी और तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को वरदान मिलने से तीनों लोकों की प्राणी प्रसन्न हो उठे और सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ यहाँ निवास करने की विनती की। तब से भोलेनाथ प्रभास क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग रूप में विराजित हुए। प्रिय भक्तों, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है, चंद्रमा का एक नाम सोम भी है और उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ कहकर पुकारा था, इसीलिए उन्हें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं वो मोक्ष के पात्र बन जाते हैं और उनके लौकिक तथा परलौकिक कार्य स्वयं ही सफल हो जाते हैं। आइए भक्तों, अब जानते हैं शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के बारे में। दूसरा ज्योतिर्लिंग तो भक्तों मल्लिकार्जुन है, मल्लिका माता पार्वती और शिव खुद अर्जुन है। श्री शैल पर्वत पर भक्तों है ये पावन स्थान, महिमा वर्णन करते जिनकी अनेकों वेद पुराण। एक दिन कार्तिक जब माता पार्वती से है रूठे, उनसे रूठ कर पर्वत क्रौंच पे आकर वो बैठे। माता पार्वती और शिव उन्हें मनाने आए, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ओ तब है कहलाए। मल्लिका पुष्पों सर्वप्रथम पूजे ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, जब भगवान भोलेनाथ ने शिव श्री गणेश और कार्तिक को पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए कहा, तो श्री गणेश ने अपने बुद्धि बल का प्रयोग करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की परिक्रमा कर दी, जिससे श्री गणेश को सर्वप्रथम पूजनीय का दर्जा मिला और उनका विवाह भी कर दिया गया। क्योंकि कार्तिक बड़े थे, वो चाहते थे कि उनका विवाह पहले हो, इसी कारण भगवान कार्तिक रुष्ट होकर यहाँ आ गए। पार्वती उन्हें मनाने आई और भोलेनाथ के साथ यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। सर्वप्रथम इनकी पूजा मल्लिका पुष्पों से हुई थी, इस कारण इन्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्त जनों, शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में पड़ता है। प्राचीन काल में दूसर नाम के दैत्य ने
बड़ा ही उत्पात मचा रखा था। वो साधु संतों का काल बन गया था, जिसका संहार करने के लिए भोलेनाथ ने महाकाल के रूप में यहाँ दर्शन दिए। शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग को महाकाल कहते हैं, दारुण नाम के दैत्य का क्योंकि काल वो बनते हैं। राजा चंद्रसेन भी भक्तों शिव के भक्त हुए, प्रसन्न जिनकी भक्ति से होकर शिव यहाँ प्रकट हुए। भस्म आरती नित्य यहाँ पर इनकी की जाती है, काल सर्प के दोष की विपदा भी टल जाती है। राजा विक्रमादित्य ने मंदिर का निर्माण कराया, शिव के भक्त महान हुए थे वर्णन जाता पाया। किस्मत वाले होते हैं जो दर्शन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर कहलाता है, जो कि मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में टापू सा बन गया है। इस टापू को ही मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा पर्वत की ओर उत्तर में और दूसरी दक्षिण दिशा में होकर बहती है। दक्षिण वाली मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में राजा मानधाता ने इस पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, इसी से इस पर्वत का नाम मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर दो कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण या निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों तरफ सदैव जल भरा रहता है। संपूर्ण मानधाता पर्वत को ही भगवान शिव का रूप माना जाता है, इसीलिए इसे शिवपुरी भी कहते हैं और लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा है न्यारी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता मेला यहाँ भारी। वैसे तो कुल दो ज्योतिर्लिंग यहाँ प्रकटे हैं, अमलेश्वर और ओंकारेश्वर जिनको कहते हैं। दो ज्योतिर्लिंग हैं किंतु इन्हें एक ही माना जाता, जो भी दर्शन करता है वो मन वांछित फल पाता। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में अद्भुत शक्ति है, अर्थ धर्म और काम मोक्ष की होती प्राप्ति है। दर्शन कर भक्तों के भाग्योदय हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ के पांचवें ज्योतिर्लिंग को केदारेश्वर कहते हैं। यहाँ ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदारनाथ चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ परम प्रसिद्ध मंदिर है। केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर
बढ़ने का संदेश देता है। इस पावन स्थान को विष्णु स्वरूप नर और नारायण की तपस्या का स्थान कहा जाता है, जहां नर और नारायण ने हजारों वर्षों तक निराहार रहकर एक पांव पर खड़े होकर शिव की तपस्या की थी, जिससे उनकी चर्चा तीनों लोकों में होने लगी थी। ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग बड़ा पावन कहलाए, नर नारायण भी तप करने भक्त यहाँ आए। भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं, साक्षात ही दर्शन नर नारायण को दिए हैं। नर नारायण को विष्णु अवतार ही माना जाए, जो इस रूप भोलेनाथ की भक्ति करने आए। भोलेनाथ से उन्होंने ही ये मांगा है वरदान, भक्तों के कल्याण को भोले यहाँ रहो विद्वान। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग तब वो बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, भगवान भोलेनाथ का छठवां ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर है, जो कि पुणे से 100 किलोमीटर की दूरी पर सहाद्री पहाड़ी पर स्थित है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में भीम नामक एक महाबलशाली राक्षस था, जो कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वो लंकापति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, किंतु उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था, क्योंकि भगवान श्री राम ने उसके गर्भ में रहते हुए ही उसके पिता कुंभकर्ण का वध कर दिया था। जब भीम ने श्री राम द्वारा अपने पिता के वध के बारे में सुना तो वो अत्यंत ही क्रोधित हुआ और भगवान विष्णु से प्रतिकार लेने की मन में ठान ली। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या के पश्चात उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात वह तीनों लोकों पर राज करने लगा और सभी पर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवतागण भगवान भोलेनाथ के शरण में आए और कहने लगे, भीम के अत्याचार तो भोले बढ़ते ही जाए, विजय प्राप्त ना उस पर देव तगण भी कर पाए। उसके अत्याचारों से सब जीव बचाने होंगे, आपको उस दैत्य के अत्याचार मिटाने होंगे। भोलेनाथ ने सुनी है जो देवों की करुण पुकार, भीमा शंकर बनकर भोले ने लिया अवतार। भीम दैत्य को भोलेनाथ ने भस्म कर दिया है, भीमा शंकर नाम है भक्तों इनका तभी हुआ है। ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी पूजे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शिव की अनोखी माया, ज्योतिर्लिंग रूप बनाया। हे शिव की अनोखी माया, ज्योतिर्लिंग रूप बनाया। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ का सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। कहते हैं इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता, क्योंकि शिव ने अपने त्रिशूल पर काशी को धारण किया है। भगवान विष्णु ने स्वयं इसी स्थान पर सृष्टि की कामना से
भोलेनाथ की तपस्या की थी। पावन नगरी भक्त जनों ये शिव की काशी है, विष्णु जी ने भी आकर के यहाँ तपस्या की है। भोलेनाथ ने माँ गौरा से जब है विवाह रचाया, आ गए जब कैलाश पे माँ गौरा ने पूछ न चाहा। भोलेनाथ आपका क्या यही एकमात्र स्थान, लगा समाधि करते हो क्या यही बैठ के ध्यान। भोलेनाथ तब उनको काशी नगरी ले आए, जहाँ पे काशी विश्वनाथ है भोले कहलाए। ज्योतिर्लिंग के रूप में ही फिर यहाँ समाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, भगवान भोलेनाथ का आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है, जो महाराष्ट्र में नासिक से 30 किलोमीटर दूर है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या से रुष्ट हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का प्रतिकार करने के लिए प्रेरित किया, जिसके लिए ब्राह्मणों ने गणेश जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। जब गणेश जी ने ब्राह्मणों से वरदान मांगने के लिए कहा, तो ब्राह्मणों ने कहा कि यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो ऋषि गौतम को इस आश्रम से निकाल दें। गणेश जी ने ब्राह्मणों को समझाया, किंतु वो अपनी बात पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वो एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में चरने लगे। गाय को फसल चरते देख ऋषि गौतम ने एक घास का तिनका लेकर उन्हें हांकना चाहा। तिनका स्पर्श करते ही गाय वहीं मर गई। तब तो हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम को आश्रम से निष्कासित कर दिया। ऋषि गौतम इस घटना से बड़े ही दुखी हुए और अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे। उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और कहने लगे, तुम गौ हत्यारे हो, तुम्हें वेद पाठ और यज्ञादि करने का कोई अधिकार नहीं। तब ऋषि गौतम विनय पूर्वक उन्हीं ब्राह्मणों से इस पाप का उपाय पूछने लगे। पूछने पर ब्राह्मणों ने ऋषि गौतम से ये कहा है, तीन बार इस पृथ्वी की करनी परिक्रमा है, और सभी को बताना है मैं हूँ गौ हत्यारा। 101 परिक्रमा करनी ब्रह्मगिरी की दोबारा, 1 कोटि पार्थिव शिवलिंग पर उसके बाद बनाने, 100 घड़े पावन गंगा जल के लाकर पड़े चढ़ाने, ब्रह्मगिरी की 11 परिक्रमा फिर करनी होगी, तब जा करके होगा नष्ट हुआ तुमसे पाप जो भी। गौतम ऋषि ने किया वैसा जैसा वो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, ऋषि गौतम ने ब्राह्मणों का बताया हुआ उपाय किया, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने कहा, हे भोलेनाथ,
मुझे गौ हत्या का जो पाप लगा है आप उस पाप से मुक्त कर दीजिए। ऋषि गौतम की बात सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, हे गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया है। छल पूर्वक ऐसा करने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंडित करना चाहता हूँ। तब ऋषि गौतम ने कहा, हे भोलेनाथ, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर आप उन पर क्रोध ना करें। बहुत से ऋषि मुनियों और देवगणों ने एकत्रित होकर ऋषि गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा सदा के लिए यहाँ निवास करने की प्रार्थना की, जिनकी प्रार्थना भोलेनाथ ने स्वीकार कर ली और यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। प्रिय भक्तों, ये ज्योतिर्लिंग सभी पापों को नष्ट करने वाला है। आइए भक्तों, अब जानते हैं भगवान भोलेनाथ के नवे ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ के बारे में। भोलेनाथ की कठिन तपस्या रावण ने की है, अपने नौ शीशों की भी उन्हें बलि चढ़ा दी है। दसवां शीश जो रावण भोलेनाथ को लगे चढ़ाने, रोक दिया है भोलेनाथ ने और विनती भी माने। मांगा जो वरदान तो लंकापति रावण ने कहा, भोलेनाथ मेरे संग में चलना होगा आपको लंका। भोलेनाथ लगे कहने के मैं लंका तो चलूंगा, किंतु बीच में मैं स्थापित वहीं तो रहूंगा। भोलेनाथ की शर्त को रावण मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, भोलेनाथ ने रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके साथ लंका आने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि यदि तुमने मुझे कहीं बीच में रख दिया तो उठा नहीं पाओगे। रावण ने भोलेनाथ की शर्त मान ली और फिर लंकापति रावण शिवलिंग को उठाकर लंका की ओर चल दिया। इधर इंद्रादि देवों ने निश्चय किया कि ऐसा कोई उपाय करें जिससे रावण भोलेनाथ को लंका ना ले जा पाए। तब वरुण देव ने वायु देव की सहायता से रावण के उदर में प्रवेश कर दिया। ले जा रहा था रावण भोलेनाथ को जब लंका, बड़े जोर से लग आई है उसको लघु शंका। सोचा रावण ने अब तो निवृत्त होना पड़ेगा, किंतु शिवलिंग को धरती पर ना रखा जाएगा। बैजू नाम का एक ग्वाला वह गाये चरा रहा था, शिवलिंग को रावण ने उसके हाथ में थमा दिया था। लघु शंका से निवृत्त होकर रावण जब आया, बैजू ग्वाला दिखा नहीं शिवलिंग धरती पर पाया। बल अजमाया रावण ने पर उठ नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, कहते हैं विष्णु जी स्वयं बैजू ग्वाला बनकर आए थे, तभी भोलेनाथ यहाँ बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। रावण लाख कोसों के बाद भी उन्हें उठा नहीं पाया और अंत में पांव के अंगूठे से दबाकर चला गया, जिसका निशान आज तक दिखाई देता है।
भगवान विष्णु बैजू ग्वाला बनकर आए थे, तभी इन्हें बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से पुकारा जाता है। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ का दसवां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सुप्रिय नाम का ब्राह्मण भक्तों शिव भक्त एक हुआ, जिसने सच्ची भक्ति करके शिव को प्रसन्न किया। दारुक नामक दाना एक दिन फिर तो वहां आया, क्रोधित होकर सुप्रिय को जिसने बंदी है बनाया। क्योंकि दारुक शिव भक्तों को देखना चाहता है, सुप्रिय को भी इसीलिए वो बंदी बनाता है। सुप्रिय कारागार में शिव भक्ति में मग्न रहा, दारुक के अत्याचारों का कुछ नहीं असर हुआ। कुछ सैनिक फिर दारुक को ये बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जैसे ही दारुक कानों को सैनिकों ने बताया कि सुप्रिय कारागार में भी शिव भक्ति में लीन है और वो बंदियों को भी शिव भक्ति के लिए प्रेरित कर रहा है, तो दारुक क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। वो तत्काल ही कारागार में आया। सुप्रिय उस समय भी नेत्र बंद किए हुए शिव भक्ति में लीन था। दारुक ने सुप्रिय को अनेकों बार आवाज दी, किंतु सुप्रिय का ध्यान नहीं टूटा। अब तो दारुक के क्रोध की सीमा ना रही और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सुप्रिय सहित सभी बंदियों का वध कर दो। अस्त्र शस्त्र लेकर सैनिक जो कारागार में आए, सुप्रिय ब्राह्मण तब भी बैठा शिव का ध्यान लगाए। उसको था विश्वास कि शिव ही हमें बचाएंगे, भक्त की रक्षा करने को वो अवश्य आएंगे। भोलेनाथ ने सुप्रिय की सुनी पुकार है, लगी चमकने उजियारे से कारागार है। सिंहासन पर ज्योतिर्लिंग रूप बनाकर प्रकट हो भोलेनाथ ही कारागार में आकर। अपना पाशुपत अस्त्र भी ब्राह्मण को वो थमाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, सुप्रिय की पुकार सुनकर भगवान भोलेनाथ कारागार में ही एक ऊंचे सिंहासन पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और सुप्रिय की रक्षा के लिए उन्होंने अपना पाशुपत अस्त्र भी दे दिया। उसी अस्त्र से सुप्रिय ने दारुक और उसके सभी सहायकों का वध कर दिया और स्वयं शिव धाम को प्रस्थान कर गए। भक्तों, यही भगवान भोलेनाथ आज तक भी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। प्रिय भक्तों, ये ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से 17 मील की दूरी पर स्थित है, जिसके दर्शन करने से ही भक्त विरोधियों के भय से मुक्त हो जाते हैं। शिव का गिरहवा ज्योतिर्लिंग तो रामेश्वर कहलाए, श्री राम जिसे स्वयं ही अपने हाथों से है बनाए। श्री राम जब जाने लगे लंका पे चढ़ाई करने, कर
शिवलिंग निर्माण लगे भोले का नाम सिमरने। भोलेनाथ ने दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया, लंका विजय का आशीर्वाद भी प्रभु राम को दिया। लंका विजय कर श्री राम फिर लौट के जो आए, आकर फिर से आशीर्वाद वो भोलेनाथ का पाए। राम ने किया निर्माण तो रामेश्वर ही बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनो कहते हैं प्रभु राम ने लंका नगरी पर चढ़ाई करने से पहले सागर तट पर बालू का शिवलिंग बनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, जिसके दर्शन करने से भक्तों को शत्रु पर विजय प्राप्ति की शक्ति मिलती है। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ का 12वां ज्योतिर्लिंग है श्री घुसमेश्वर, जिसे घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। ये पावन ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद से 12 मील की दूरी पर वेरुल नामक गांव में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में कथा वर्णित है कि देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी व तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। अनेकों वर्षों तक ब्राह्मण दंपत्ति को संतान नहीं हुई। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा गर्भ से संतान उत्पत्ति का योग नहीं है, किंतु सुदेहा संतान की बड़ी ही इच्छुक थी। थी संतान प्राप्ति की इच्छा सुदेहा के मन में, अपने पति सुधर्मा से वो लगी है फिर कहने। छोटी बहन मेरी घुसमा है जिससे करो तुम विवाह, ताकि पुत्र की प्राप्ति है स्वामी हमको भी हो जा। बिना पुत्र के कहते हैं कि मोक्ष नहीं मिलता है, अपनी बहन को घर ले आऊं मन मेरा कहता है। उसका सुझाव सुधर्मा को पर पसंद नहीं आया, किंतु दुहाई देकर उसने अपने पति को मनाया। घुसमा को भी पत्नी बनाकर घर ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, सुदेहा की जिद के आगे सुधर्मा को झुकना पड़ा और सुदेहा की छोटी बहन घुसमा से विवाह कर लिया। कालांतर में घुसमा के गर्भ से एक बड़े ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सुधर्मा, सुदेहा और घुसमा तीनों ही बड़े प्रसन्न थे। घुसमा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी थी और शिव की अनन्य भक्ता थी। वो प्रतिदिन एक शव पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्ची निष्ठा से उनका पूजन करती थी और पूजा के पश्चात सभी शिवलिंगों को एक तालाब में विसर्जित कर देती। ऐसे करते करते उसे अनेकों वर्ष बीत चुके थे। अब तो घुसमा का पुत्र भी बड़ा हो चुका था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था कि एक दिन अचानक सुदेहा की मति पलट गई। प्रीत बुद्धि भक्तों किसी की जब हो जाती है, भले बुरे की फिर उसको तो समझ न आती है। सुदेहा के भी मन में उत्पन्न हो गई थी कुंठा, लगी सोचने इस घर में अब मेरा रह गया क्या। पुत्र को जन्म दिया घुसमा ने, इसकी कद्र होगी। वृद्धा
गर्भावस्था में मुझे पूछने वाला ना कोई भी। धीरे धीरे कुंठा उसकी इतनी बढ़े गई है, रात में उठकर पुत्र की उसने हत्या कर दी है। सुधर्मा और घुष्मा भी ये तो जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्त जनों, कुंठित होकर सुदेहा ने रात को सोए हुए पुत्र की हत्या कर दी और उसकी मृत देह को उसी तालाब में फेंक दिया, जिसमें उसकी बहन घुष्मा पूजा पाठ के पश्चात शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। कुछ समय बाद जब सुधर्मा को पुत्र दिखाई नहीं दिया तो वो बड़े ही चिंतित हुए। उन्होंने सुदेहा और घुष्मा दोनों से पूछा, किंतु दोनों ने अनभिज्ञता जाहिर की। घुष्मा हर रोज की तरह पूजा पाठ में लग गई। उसने 100 पार्थिव शिवलिंग बनाए, विधि विधान से पूजन किया और पूजन के पश्चात जब विसर्जन के लिए गई तो तालाब से उसका पुत्र जीवित निकलकर उनके सामने आ गया और सदा की तरह उसने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही घुष्मा ने शिवलिंग तालाब में विसर्जित किए, भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर उन्हें सच्चाई से अवगत कराया। वो सुदेहा पर अत्यंत क्रोधित दिखाई दे रहे थे और उसे दंडित करने के लिए उद्धत हो गए, किंतु घुष्मा ने विनती की, हे भोलेनाथ, आज मुझे आपके दर्शन सुदेहा के कारण ही हुए हैं, अतः मुझे उस पर जरा भी क्रोध नहीं, आप भी उसे क्षमा करें। यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो सदैव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें। प्रिय भक्तों, तब से ही भगवान भोलेनाथ यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। भुष्मा की विनती पर भोलेनाथ यहाँ आए, भुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों तब ही बोला जाए। जिनके दर्शन से होता सदा भक्तों का कल्याण, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का है यही बखान। ज्योतिर्लिंग के रूप में भोले भक्तों जहाँ विद्यमान, अपने भक्तों को देते हैं मुँह मांगा वरदान। डीएस पाल ने भक्तों कर दिया कथा का वर्णन है, शिव के चरणों कर तन मन सदा हंस राज रलहन है। और कथाएं फौज सुरेश से ही लिखवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।